राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मंगलवार को अखंड भारत संकल्प दिवस का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के प्रांत बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर अरविंद सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आईपीएस आस्था नंद, गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी, डॉक्टर नवीन मिश्रा सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अखंड भारत संकल्प दिवस पर अपने विचार रखने के साथ मानचित्र के माध्यम से भारत के अस्तित्व पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में समूचे विश्व में भारत की संस्कृति का बोलबाला है। कई देश आज भारत के संस्कृति और सभ्यता को अपनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी जो है ये मुख्य भूमि है। वैसे तो भारत का जो लक्षत्तर बिंदु है वो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और ये इंदिरा पॉइंट है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जहाँ पर वीर सावरकर जो है और उस जेल के अंदर विराजमान है। आज हमारे लिए स्मारक है, क्योंकि जेल में रहने के बाद भी भारत माता की अखंडता को वीर सावरकर ने नहीं भूला था। ये इंदिरा पॉइंट हमारा अंतिम बिंदु है। मुख्य भूमि से 600 मील नीचे है। अभी पिछला सुनामी आया तो उसमें थोड़ा सा उसमें जो है वो विलीन हो गया समुद्र में, लेकिन आज भी है। लेकिन भारत का अंतिम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कुमारी कन्या के रूप में यहाँ पर माँ पार्वती ने तपस्या किया था। किस लिए तपस्या किया था? इस कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। हम कहते हैं कि कैलाश से कन्याकुमारी तक भारत एक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कन्याकुमारी के अंदर जो है माँ पार्वती ने उस कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था, जो आज तिब्बत के अंदर ना होते हुए भी उस तिब्बत के ऊपर भी और चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन कैलाश मानसरोवर वहां पर आज भी है। वो कैलाश पर्वत अकेला पर्वत है जो चीन की जो है सरकार भी जिसके ऊपर पर्वतारोहण की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि उसको भी ध्यान में है कि भगवान तो यहाँ रहते ही रहते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए। और इस कन्याकुमारी के अंदर माँ पार्वती जो है और तपस्या करती है। क्यों करती है? अगर वो कैलाश के आसपास कहीं पूजा अर्चना करती, कहीं हरिद्वार के अंदर करती, कहीं देहरादून के अंदर करती, कहीं पर बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर करती, तो शायद भगवान उनकी बात जल्दी सुनते। लेकिन हमको ध्यान में है कि पहली लाइन में भी बैठे हुए उस व्यक्ति का इतना अधिकार है और पिछली लाइन में भी बैठे हुए इस संवाद भवन के अंदर हर व्यक्ति का उतना अधिकार है, क्योंकि ये संवाद भवन हमारा है। पूरा भारतवर्ष हमारा था, हमारा है। इसलिए बात माँ पार्वती के भी ध्यान में थी और इसलिए वो कन्याकुमारी के अंदर तपस्या करती है। कितनी घनघोर तपस्या करती है तो उनका एक नाम अपर्णा पड़ जाता है। पर्ण माने होता है पत्ता। एक पर्ण का पत्ता तक नहीं खाया उन्होंने, इतनी घनघोर तपस्या उन्होंने किया। हमारे यहाँ शैव मत की तरह से शाक्त मत की भी परंपरा है। शाक्त मत के माध्यम से भी और जो है 51 शक्तिपीठ के माध्यम से पूरे देश के अंदर की एकता को और प्रकट करने का काम हमारे जो है पूर्वजों के द्वारा किया गया। पंत्र चूड़ामणि में तो 53 शक्तिपीठों की बात कही गई है, लेकिन 52 शक्तिपीठों एक शक्तिपीठ का जो है पुनरुक्ति हुआ है, लेकिन प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों की है। और इस नाते आज हम जानते हैं कि ये 15 अगस्त 1947 का भी रात को उस काली आधी रात को आज तो पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन इस हिंगलाज के अंदर आज भी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ रूप में हमारे हिंगलाज देवी, जहाँ पर हमेशा ज्वाला निकलता रहता है। आज विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा है तो ज्वाला कहाँ से निकल रहा है, वो वहां पर मौजूद है। पूर्वी पाकिस्तान बनने के बाद जो है 1971 में हमने बांग्लादेश को जो है स्वतंत्र कराने का काम किया, लेकिन हमारे ढाकेश्वरी देवी, हमारी चिंतल भवानी और जो है हमारी यशोश्वरी देवी वहां पर आज भी मौजूद है। आज श्रीलंका के अंदर भी जो है और सीताम्बा माता का मंदिर है जो सीता रानी या सीता वाटिका के अंतर्गत है, वहां पर भी जो है हमारा शक्तिपीठ है। हम कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं तो हाँ, कैलाश मानसरोवर केवल भगवान शंकर ही नहीं है, मानस देवी के रूप में हमारी जो है एक शक्तिपीठ वहां पर मौजूद है। हम जो है जाते हैं अमरनाथ दर्शन करने के लिए, सुबह में भी एक शक्तिपीठ मौजूद है। पूरे देश के अंदर जो है 51 शक्तिपीठ देश की एकता के और कहानी को कहने के लिए पर्याप्त है। किसी भी और ऐसे उदाहरण की आवश्यकता नहीं है जिससे भारत की एकता को पुष्ट करने की आवश्यकता हो। लेकर के और यहाँ तक हमारा विस्तार दिखता है। हम ईरान की तरफ आते हैं, कभी इसका नाम हरियाणा है। हम श्रेष्ठ थे, गृणवंतो विश्वमानव का नारा हमने ऐसे ही नहीं दिया था। हम श्रेष्ठ थे इस नाते गृणवंतो विश्वमानव का नारा हमने दिया था। ये कभी हमारा वैदिक काल में इसका नाम आर्याना था। बाद में इसी को पर्सिया कहा गया। पर्सिया क्यों कहा गया? जब सिकंदर का आक्रमण होता है 34वीं शताब्दी में, क्योंकि भगवान परशुराम के जो वंशज थे, जो पर्स कहे जाते थे, उनका वहां पर राज्य था और वहां पर जो है और परुष से पर्सिया शब्द आता है 34वीं शताब्दी में जब सिकंदर का आक्रमण होता है। 6वीं शताब्दी में जब खलीफाओं का आक्रमण होता है तो वहां का जो भारत वर्ष का जो अवशेष था वो छिन्न भिन्न किया जाता है, लेकिन आज भी जो वहां का धर्म ग्रंथ है उसका नाम है जिंदा अवेस्ता। उस जिंदा अवेस्ता को अगर हम पढ़ करके देखते हैं तो उसमें अगर 10 शब्द हैं तो 6 से 7 शब्द संस्कृत के मिलते हैं। वहां पर जैसे हम
होते हैं, वैसे वहां पर भी चार वर्ण होते हैं। आज पूरे देश के अंदर जो है, हमारे देश के अंदर क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है। और हम लोग कहते हैं आज देश के अंदर जो है बीफ खाने के लिए कितने लोग मरे जा रहे हैं। इस ईरान के अंदर जो उनका धर्म ग्रंथ है जिंदा अवेस्ता, उसमें लिखा हुआ है कि जरथुस्त्र जो है और उनके एक महापुरुष हुए जिनका जन्म ही की गो सेवा के लिए हुआ था। उस जरथुस्त्र का नाम आज के दैनिक जागरण में आर विक्रम के लेख में बीच के पेज में छपा हुआ है, आप जाकर के दैनिक जागरण में उसको पढ़ सकते हैं। वो जरथुस्त्र जो है और कहते हैं कि भगवान वेदव्यास के समकालीन थे। और ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ से भगवान वेदव्यास चल करके वहां तक गए थे और वो उनसे मिले थे, दोनों एक दूसरे से समकालीन थे। आज ईरान के भी लोगों को ये लग रहा है कि हमारी जड़ें भारत और भारतीयता में हैं और ये जो है हमको उसको खोजना चाहिए। इस नाते ऋग्वेद का वहां पर ट्रांसलेशन कराया जा रहा है। आज फिर से एक समीकरण बदला है कि अगर जो है पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह को और चीन विकसित कर रहा है तो इस चाबहार को विकसित करके उन गुजरे जमाने के रिश्तों को जोड़ने के